नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक सूची के साथ में। दोस्तों इस चैनल पर मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता था, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो चलिए अपने स्टॉक की बात कर लेते हैं मैं बात कर रहा अदानी पावर की। अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, यानी सोलर प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहा है। अगर देखेंगे इसमें इनके मार्केट कैप की तो आप देखेंगे 19,748 करोड़ का मार्केट कैप है, जबकि 52 वीक लो की बात करें तो ये 23 रुपये का शेयर हुआ करता था और 65 रुपए तक गया था। यानी ये तेजी आप खुद ही समझ सकते हैं कितनी तेजी से इसने ग्रो किया है। तो देख लेते हैं, अगर मार्केट इसमें पी की बात करें तो पी इसमें कंसीडर नहीं है, लेकिन अगर बात करें इंडस्ट्री पी की तो 11.2 का है। दोस्तों अगर इसमें बात कर लेते हैं डेप्ट की, आप देखेंगे इसमें डेप्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, 51,341 करोड़ का डेप्ट है, जबकि अगर कैश की बात करें तो 5,604 करोड़ रुपए इनके पास कैश भी पड़ा हुआ है। प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 75% होल्ड करते हैं, ये प्लस पॉइंट हो सकता है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू है। तो दोस्तों और डिटेल देख लेते हैं, और डिटेल देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें मार्च 2018 में 73.07% जो कि प्रमोटर्स होल्ड करते थे, और इस टाइम अगर देखेंगे तो इन्होंने 5% का लिया है। यानी ये भी अपने स्टॉक को लेकर बुलिश हैं, क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि पावर सेक्टर वाले जो भी स्टॉक हैं आने वाले टाइम में इनकी बहुत ही चलने वाली है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्ज कहाँ होगा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए भी पावर ही लगना है। तो दोस्तों इसीलिए ये शेयर्स इनके प्रमोटर्स खुद अपना स्टेक खरीद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब प्रमोटर्स खरीद रहे हैं तो आप भी खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें FIIs की बात करें तो आप देखेंगे उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर बात करें DIIs की तो उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, और जो कम की है वो प्रमोटर्स खुद ही उठा लेते हैं सारा का सारा माल। तो दोस्तों और डिटेल देखते हैं, लेकिन एक और नेगेटिव पॉइंट है, इनका रेवेन्यू थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन इनको प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इनको फिर से प्रॉफिट हो, क्योंकि इनका सोलर सिस्टम प्लस पावर दोनों में फ़ायदा होने वाला है, और आने वाले टाइम में दोनों में भी काफ़ी बढ़ने वाली है। बीच एक डील हुई है, अगर आप देखेंगे फ्रांस वेस्ट टोटल रिन्यूअल SAS बाई 100% स्टेक ऑफ UT, यानी इन्होंने 100% खरीदा है, इसलिए इसमें तेज़ी देखने को मिल जाएगा। और जिस हिसाब से अगर इनका बिजनेस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है शेयर के दाम भी बढ़ते हैं और प्रॉफिट भी बढ़ता है, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो चलिए और डिटेल देखते हैं। दोस्तों अगर इसमें बात करें NSE की वेबसाइट पर आज क्या चल रहा था, तो आज की बात करें तो आप देखेंगे 49.55 यानी कि 49.55 रुपये पर इस टाइम ये शेयर मिल रहा है। आज इसमें 3.22% की गिरावट देखने को मिला है। अगर इनके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 13 मार्च को 23 रुपये का 52 वीक लो बन रहा था, लेकिन अगर हाई की बात करें तो 28 जनवरी 2020 को इसने अपना हाई बनाया था 65.40 रुपये पर, और इस टाइम ये शेयर आपको मिल रहा है 49.55 रुपये पर। अगर आज का ओपन देखेंगे तो आप देखेंगे 50.95 रुपये, हाई देखेंगे तो 51.15 रुपये, जबकि अगर बात करते हैं डिलीवरी की तो 53.74% की डिलीवरी उठाई गई है, 25,85,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी। तो दोस्तों अगर चार्ट पे बात करेंगे तो दोस्तों ये शेयर ऊपर गया, उसके बाद इसमें थोड़ी सी करेक्शन आई, और करेक्शन आना भी था क्योंकि ये शेयर ओवरबॉट हो चुका था। तो करेक्शन आने के बाद ये शेयर दोबारा ओवरबॉट नहीं किया, हालांकि उस लेवल को टच किया था, लेकिन फिर से वहां से भी करेक्शन आ गया और ये शेयर फिर से करेक्ट होने लगा। तो दोस्तों अगर इनके सपोर्ट की बात करें तो इनका सपोर्ट काफ़ी क्लोज है, यानी कि 48 रुपीज़ का इनका पहला सपोर्ट है। अगर ये शेयर वहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो 52 रुपीज़ के टारगेट के लिए जाएगा, लेकिन अगर ये शेयर उसके नीचे जाता है यानी 48 के नीचे जाता है तो इनका 42 का नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। अगर वहाँ से जाता है तो फिर से ये शेयर 56 रुपीज़ के टारगेट के लिए फिर से भागना स्टार्ट करेगा, अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो। और बाउंस बैक करना भी चाहिए, इस टाइम तो पूरा का पूरा मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, और जैसे करेक्ट हो रहा है तो दोस्तों ये स्टॉक्स आपको सस्ते मिल रहे हैं, यानी 3-4% अगर करेक्ट हो जा रहे हैं। अब देखेंगे आज ये शेयर 3% तक करेक्ट हुआ था, कल भी इसमें करेक्शन यानी पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये एक तो प्लस पॉइंट है, 10-20% की करेक्शन आपको देखने को अगर मिल जा रही है शॉर्ट टर्म में तो आपको खरीदारी का एक अच्छा मौका मिल गया। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक को आप खरीदारी में ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को भी उठा सकते हैं, चाहे आप अदानी पोर्ट को उठा लीजिए, वो भी काफी अच्छा शेयर है, तो वो भी आपको काफी सस्ते में मिल जाएगा इस टाइम। काफी सस्ता कहने का मतलब है 10-20% की करेक्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी खरीदारी की जा सकती है, जो कि मार्केट पूरा कंटिन्यूसली ऊपर ही भाग रहा था तो बीच में अगर थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है उस शेयर्स को खरीदारी कर सकते हैं। अभी ये नहीं सोचा जा सकता कि ये
मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट होगा, फिर से 7500 पे जाएगा, ये सोचना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा क्रैश फिर से नहीं आने वाला है। हाँ मार्केट करेक्ट हो रहा है तो उसमें आप अच्छे स्टॉक्स को उठाना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको मार्केट अगर फिर से जब रिकवर करेगा तब आपके अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।